के पास ये मैसेज आया है कि अगर आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस नहीं छोड़ी तो आने वाले दो दिनों में अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस आएगा, या सैटरडे को नोटिस आएगा या मंडे को नोटिस आएगा, सीआरपीसी के सेक्शन 41A में नोटिस आएगा, और उनको दोनों सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी को यह धमकी मिल रही है कि अगर इंडिया अलायंस मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ेगा, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग करेंगे, तो आने वाले 3 से 4 दिन में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आज सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र जनता का शासन होता है, जनता को वोट देके किसी भी पार्टी को चुनने का अधिकार होता है, किन्हीं भी पार्टियों को एक साथ अलायंस करने का अधिकार होता है। अगर आपको लगता है कि आप इस प्रकार की धमकियां देकर, अरेस्ट करने की धमकियां देकर आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को डरा सकते हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी आपकी जेल की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आप आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में डाल दो, एक एक विधायक को जेल में डाल दो, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नए नेताओं के तौर पे खड़े हो जाएंगे और इस देश के लोकतंत्र की और इस देश की संविधान की रक्षा करेंगे। तो आप चाहे जितनी धमकियां दे लीजिए, चाहे आप जेल में डाल दीजिए, चाहे आप फांसी पे टांग दीजिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं है। थैंक यू। देखिए, जैसा आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो अलग अलग लोग हैं, ये कभी किसी को भेजते हैं, कभी किसी को भेजते हैं, कभी आपके रिश्तेदारों के माध्यम से मैसेज भिजवाते हैं, कभी आपके कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैसेज भिजवाते हैं, कभी पार्क चलते मैसेज भिजवाते हैं। तो कल शाम से आज दोपहर तक कई अलग अलग लोगों के माध्यम से हमें ये मैसेज मिला है कि अगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया तो सैटरडे या मंडे को अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस आएगा, और उसके एक या दो दिन में दोनों सीबीआई और ईडी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेंगे। और हमें ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल से बाहर रखने का एक ही तरीका है, और वो है इस गठबंधन को तोड़ देना और इंडिया अलायंस को छोड़ देना। गठबंधन जो दिल्ली में है वो लगभग फाइनल होने की कगार पे है। हमें उम्मीद है कि आने वाले एक दो दिन में एक आधिकारिक घोषणा दोनों पार्टियों की तरफ से मिलकर हो जाएगी। लेकिन अभी गठबंधन का कुछ फाइनल हुआ नहीं है, उससे पहले इस तरीके की धमकी की बात आप कह रहे हैं, इसके पीछे किस तरीके का आपके पास साक्ष्य रहेगा क्या? क्योंकि बार बार यही सवाल उठता है कि साक्ष्य क्या है इस तरीके का। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब सबको पता है कि गठबंधन फाइनल होने की कगार पे है। काफी दिन से बातचीत चल रही है, लेकिन जैसे सारे मीडिया के साथियों को भी पता है कि अब जो अलायंस है, जो दिल्ली की सीट शेयरिंग है, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर पहुंच गई है। अब अनाउंस होने की स्टेज तक बात पहुंच गई है, नंबर वन। तो ये स्वाभाविक है कि बाकी पार्टियों को भी पता है कि अब गठबंधन की घोषणा होने वाली है, तो इसीलिए इस प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं। जहां तक साक्ष्य की बात है, देखिए, कोई भी इंसान जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है या उसके घर पर या उससे ऑफिस में कोई मिलने आता है, वो अपने टेबल पे रिकॉर्डर नहीं लगा के रखता।
कि जैसे ही कोई चाय के ऊपर मुझसे कोई बात करेगा मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूंगी, क्योंकि ये कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैसेज लेके आया होगा। हम जन प्रतिनिधि हैं, हम सुबह से लेके शाम तक अपने विधायक कार्यालय में, अपने कैंप ऑफिसेज में, सचिवालय में, दिल्ली विधानसभा में सैकड़ों लोगों से मिलते हैं। तो हम बैठ के दिन भर रिकॉर्डर ऑन करके हर व्यक्ति की बातचीत को टेप नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर ये बार बार ये सवाल उठेगा कि जी आप इस बात का साक्ष्य दिखाइए, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये संभव नहीं है कि अगर आपके नोन लोगों के माध्यम से आपको संदेश आएंगे कि आप तैयारी से उनकी रिकॉर्डिंग करके रखें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।